हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर संजय ठाकुर ने सोमवार को आयोग के परिसर में आयोजित एक समारोह में इन तीनों नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद आयोजित किए गए इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले प्रोफेसर पीके वैद ने शपथ ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगभग 32 वर्ष के सेवाकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए प्रोफेसर पीके वैद अपने सेवाकाल के दौरान शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यों के अलावा विश्वविद्यालय में कई अन्य अहम पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। प्रोफेसर पीके वैद के बाद पूर्व प्रशासनिक अधिकारी प्यारचंद अकेला ने आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। बड़ा लंबा जीवन मैंने अपने शैक्षणिक स्तर में जिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी से होते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को लंबे समय तक सर्व किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है और ये जो आज की नियुक्ति है मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा हर्ष का विषय इसलिए भी है क्योंकि मैं अपने आप विद्यार्थियों से जुड़ा हूँ, हमेशा के लिए पहले भी जुड़ा था, आज भी टीचर हूँ, तब भी विद्यार्थी मानता हूँ और विद्यार्थियों से जुड़ी चीज़ों को मैं समझता भी हूँ। ये प्रदेश के इस आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है कि आज हम लोगों ने इस आयोग के लिए अपनी सेवा के लिए जो है वो आज शपथ ली है। मैं शपथ के साथ ही जो विषय है इस आयोग के वो रखता हूँ, तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है जो इस विषय हैं आज के आयोग में, वो शपथ में ही है, सत्य, ध्येय और निष्ठा। मुझे लगता है कि जो हमारे विद्यार्थी दूर दूर तक जिनका लक्ष्य है अपना जीवन इस आयोग के माध्यम से चलाने का, उनके परिवारों के माध्यम से, मैं उन विद्यार्थियों को देखता हूँ जो सवेरे सुबह 9 बजे लाइब्रेरी में आते हैं और शाम तक लाइब्रेरी में बैठते हैं 9 बजे तक, उनका सपना जो है साकार इसी आयोग के माध्यम से पूरा होता है। और मुझे लगता है कि हमारा जो अनुभव है, जहाँ भी शैक्षणिक अनुभव बन रहा है अपने इन स्टूडेंट्स के लिए, उनके सपने कैसे पूर्ण हों, इस आयोग के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हम अपना जो अनुभव है कैसे उनकी बेटर में उनके जो सपने हैं उस आयोग के माध्यम से पूरा हो। आज की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद। ठीक है सर। हिमाचल में चुनावों की बेहतरीन कवरेज के बाद अब पंजाब और जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं हम। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम। आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे हम। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम हैं AMI News, आपकी आवाज, आपकी आवाज़।